शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन के गैसपुरा ब्रांच की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके प्रदेश भर में 36 के लगभग स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 5100 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नोबल फाउंडेशन का उद्देश्य अशिक्षित बच्चों को शिक्षित बनाना है और उन्हें कामयाब बनाना है। आप जानते हो कि आज पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैल चुकी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। फिर भी हमें अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। घर पर रहते हुए भी साबुन से बार बार अपने हाथों को अच्छे प्रकार से धोएं। प्यारे बच्चों, आपने अपनी साफ सफाई के साथ साथ अपने सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है, इसलिए आपने इंडिया टीवी पर 7:57 से 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी का जो योगा का प्रोग्राम आता है उसे देखना है और उसका अभ्यास करते हुए फोटो खींचकर अपनी अध्यापिका को भेजना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि आज चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसीलिए हमें अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशों का पालन करना है और चीनी ऐप और चीनी सामान का बहिष्कार करना है। मैं इसमें उनका पूरा सहयोग कर रही हूँ और आशा करती हूँ आप भी उनका पूरा अच्छे प्रकार से सहयोग करेंगे, चीनी ऐप और चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। अरे बच्चों, जिस तरह आप हर साल स्कूल में 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर अपने फौजी भाइयों के लिए राखी, कार्ड्स, पत्र आदि तैयार करते थे, उसी प्रकार हमने इस साल भी उनके लिए 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर कार्ड्स, राखी और पत्र आदि तैयार करने हैं और उस पर अपनी कक्षा, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, ब्रांच आदि लिखकर अपनी अध्यापिका को वो फोटो सेंड करनी है, ताकि हम अपने फौजी भाइयों को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शुभकामनाएं भेज सकें। आज दिन शनिवार तिथि 18 जुलाई 2020 को मैं नर्सरी, LKG और UKG क्लास के लिए मैथ का टास्क लेकर आई हूँ। शनिवार तिथि 18 जुलाई 2020 को मैं नर्सरी क्लास के लिए होम टास्क लेकर आई हूँ, मैच द नंबर्स 1 to 20। आपने इधर वाले नंबर्स को देख के इधर वाले नंबर्स में ढूंढना है और उसको उसके साथ मैच करना है। जैसे सबसे पहले है 10, आपने देखना है इधर पे 10 नंबर कहाँ पे है, ये है, तो इस 10 नंबर को इस 10 नंबर से मिला देना है। उसके बाद है 12, आपने इधर देखना है 12 नंबर कहाँ पे है, ये, तो आपने इस 12 नंबर को इस 12 नंबर से मिला देना है। इसी प्रकार आपने इधर के सारे नंबर को इधर वाले सारे नंबर से मिलाना है और इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे करके अपनी अध्यापिका को अपनी फ़ोटो भेजनी है और यही काम पेरेंट्स के लिए भी है। 4 LKG क्लास स्किप बाय 2 नंबर एंड 5 नंबर 1 to 100। आपने 1 से लेके 100 तक के बीच में 2 स्किप और 5 स्किप वाले नंबर करने हैं। सबसे पहले है 2 स्किप नंबर। इसके लिए आप बच्चों इस प्रकार से अपनी कॉपी पर स्केल बना सकते हैं, जिसमें आप 0 से लेके काउंटिंग लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपने उसमें एक छोड़ के एक नंबर लिखना है। जैसे 0 से पहले हम 1 छोड़ देंगे, 2 पे जाएंगे, स्किप कर देंगे 1, तो 2 पे जाएंगे स्किप 2। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, फिर उसके बाद 2 से 1 नंबर स्किप करके आप 2 पे जाएंगे, 2 से 2 नंबर स्किप किया तो आप आ गए 4 पर, आपने यहाँ पे 4 लिख देना है। फिर उसके बाद 4 से 2 नंबर स्किप करने हैं 6, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है, 6 से 2 नंबर स्किप करने हैं 8 से 2 नंबर स्किप करके आना है 10, आपने 10 नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने 10 से 2 नंबर स्किप करने हैं तो क्या आएगा 12, तो आपने यहाँ पे 12 लिख देना है। फिर इसी प्रकार से 2-2 नंबर स्किप करके आपने पूरे 100 तक लिखने हैं। उसके अब है 5 स्किप। इसके लिए भी आपने यहाँ पे एक स्केल बना लेना है, उस पर आपने काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले आपने 5 स्किप करना है, 0 से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, आपने सीधा 0 से 5 पे जंप करना है, ये हो गया 5 स्किप, आपने यहाँ पे 5 लिख देना है। उसके बाद आपने 5 आगे गिननी है काउंटिंग, जैसे 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आपने 10 पर जाना है, ये हो गया 5 नंबर स्किप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 पे गया। इसी प्रकार आपने आगे 5 5 नंबर पर स्किप करते हुए
वन से लेकर हंड्रेड तक काउंटिंग लिखनी है, जैसे 5, 10, 15 यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 30। आपने इसी प्रकार से अपनी कॉपी पे अच्छे से करके फोटो खींच के अपने मैम को सेंड करनी। आज मैं फर्स्ट क्लास के लिए इंग्लिश का टास्क लेके आई हूँ, ऐसे अ डॉग, एक कुत्ता। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट्स नेम इज जैकी, इसका नाम जैकी है। इट इज ब्राउन इन कलर, ये भूरे रंग का है। इट हैज फोर लेग्स, इसकी चार टांगे हैं। इट हैज अ शॉर्ट टेल, इसकी एक छोटी पूंछ है। इट हैज शार्प टीथ, इसके दांत बहुत तीखे हैं। इट बार्क्स एट नाइट, ये रात को भौंकता है। इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज दौड़ता है। इट प्लेज विद मी, वह मेरे साथ खेलता है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। बच्चों, इसी तरह आपने हर डॉग की 10 लाइनें अपनी कॉपी पे उतारनी है, करनी है, याद करनी है और इसकी फ़ोटो खींचकर अपनी अध्यापिका को भेजनी है। टास्क फॉर यूकेजी क्लास, मिसिंग नंबर्स नेम 1 to 10। यहाँ पे आपको 1 से लेकर 10 तक मिसिंग नंबर्स नेम करने हैं, जैसे 1, O, N, E, 1 मैंने लिख दिया है। आपने मिसिंग नंबर 2 लिखना है यहाँ पे, T, W, O, 2। यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे 4 लिखना है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आपने 6 लिखना है। 7 लिखा हुआ है, आपने 8 लिखना है। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, आपने 10 लिखना है। इसी तरह आपने अपनी कॉपी पे अच्छे से मिसिंग नंबर नेम करने हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं सेकेंड क्लास से फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए EVS का टास्क लेकर आई हूँ। टास्क फॉर सेकेंड क्लास, खंड 2, मेरी आवश्यकता है। पाठ 7, सफाई रखना। बच्चों, आप जानते हैं कि स्वस्थ ही पूंजी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर के प्रत्येक अंग को साफ रखना चाहिए। सबसे पहले हाथों की सफाई, हमें हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। के बाद है सफाई, चेहरे को साफ रखना। बच्चों, हमें चेहरे को भी साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धोते रहना चाहिए और साफ तौलिए से ही हमेशा चेहरे को पोंछना चाहिए। दांतों को साफ रखना, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। शरीर को साफ रखना, शरीर को साफ रखने के लिए हमें हर रोज़ नहाना चाहिए और साफ। उसके बाद है आँखों को साफ रखना, हमें हमेशा आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। और नाक को साफ रखना, मुंह को धोते समय अपने नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए। और कानों को साफ रखना, हमें कानों को हमेशा नरम कपड़े से ही साफ करना चाहिए। बालों को साफ रखना, हमें स्नान करते समय हमेशा बालों को शैम्पू और पानी से धोना चाहिए। साफ कपड़े पहनना, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए और कपड़ों को ठीक ढंग से रखना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, खालिस्तान दे रखे हैं। आपको इसकी PDF फाइल भेज दी जाएगी, आपने उसमें से देख के अपनी अपनी कॉपी पे साफ सुथरा उतारना है और अपनी टीचर को अपनी कॉपी की फ़ोटो भेजनी है। टास्क फॉर थर्ड क्लास, खंड 3, मेरा परिवार और मेरा घर। पार्ट 6, आनंद व मनोरंजन। हम सब काम करने के पश्चात थक जाते हैं। हमें अपने आप को ताज़ा रखने के लिए तथा दिल बहलाने के लिए कुछ मनोरंजन की आवश्यकता होती है। हमारे पास घर पर ही इसके कुछ साधन हैं। हम सब अपने परिवार के साथ मिलकर मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे दूरदर्शन देखकर, खेल खेलकर, गाना गाकर, नाचकर आदि। जन्मदिन, शादी और अन्य किसी पार्टी में हम अपने संबंधियों और मित्रों को बुलाते हैं। जन्मदिन की पार्टी में हम सब इकट्ठा होकर नाचते हैं और मनोरंजन करते हैं। कभी कभी हमारे परिवार में शादी की जाती है, सारे संबंधी और मित्र एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। कभी कभी हम अपने परिवार के साथ आनंद मनाने के लिए बाहर घूमने जाते हैं, तब हम अनेक स्थान पर जाते हैं, जैसे पिकनिक, मेला, चिड़ियाघर और सर्कस। इस तरह बच्चों, हम अलग अलग तरीके से अपना आनंद व मनोरंजन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ठीक गलत दिए गए हैं और खालिस्तान दिए गए हैं। इसकी PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी, आपने उसे अपनी कॉपी पर उतारना है, करना है और उसकी फ़ोटो खींचकर अपनी अध्यापिका को भेजनी है। टास्क फॉर फोर्थ क्लास, खंड 3, हमारा घर, घर की आवश्यकता। हम सबको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। हमारा घर हमारी कई ढंग से रक्षा करता है। कई बार सूर्य बहुत तेज़ी से चमकता है, जैसे बच्चों आप जानते हो, जब हमें गर्मी बहुत अधिक लगती है तो हम हमेशा छाया ढूंढते हैं। तो घर एक ऐसी जगह है जिसकी
छत के कारण हमें आसानी से छाया मिल जाती है और ये हमें तेज सूरज की रोशनी से बचाता है। सर्दियों में घर हमें ठंड से बचाता है। हम घर में स्वेटर, शॉल, रूम हीटर का प्रयोग करके घर को गर्म रख सकते हैं और सर्दी से बच सकते हैं। भारी बारिश होने पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार भारी वर्षा के कारण हमें भारी हानि पहुंचती है, इसलिए हम वर्षा से बचना चाहते हैं। उस समय हमें एक छत की आवश्यकता पड़ती है जो हमें वर्षा से बचाए रखता है। हमारा घर एक बहुत अच्छा और सुरक्षित स्थान है। जिस तरह बच्चों आप जानते हैं कि तेज हवाएं और तूफान भी हमारे प्राकृतिक शत्रु हैं, ये हमारे लिए बहुत अधिक हानि के कारण बनते हैं। कई बार हम तेज हवाओं में जख्मी भी हो जाते हैं। इसी प्रकार खतरों से सुरक्षित रहने के लिए हमें एक छत की आवश्यकता होती है। घर हमें इस प्रकार के अवसरों में सुरक्षित रखता है। घर हमें चोर और डाकुओं से भी बचाता है। हम घर के अंदर रहकर इनसे बच सकते हैं। इसी तरह बच्चों, घर हमें सूर्य की गर्मी, ठंड, वर्षा, तूफान, चोरों, डाकुओं और जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करता है। और इस घर में इसी तरह बच्चों, ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं, इसकी PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी। टास्क 4 फिफ्थ क्लास पार्ट 7 मानव के मित्र जंतु। मनुष्य और जंतुओं का रिश्ता बहुत पुराना है। मनुष्य को इन जंतुओं की संगत के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सौगात में मिली हैं। आओ हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, यूनान के एक राजा सिकंदर महान के कुत्ते का नाम पेरिटॉस था। पर्शिया के राजा डेरियस ने सिकंदर पर हमला कर दिया था। युद्ध के दौरान एक हाथी सिकंदर को कुचलने ही वाला था कि उस स्थान पर उसके कुत्ते पेरिटॉस ने हाथी के मुंह पर छलांग लगाकर हाथी का ध्यान दूसरी तरफ भड़का दिया और सिकंदर की जान बच गई। बहुत सी महान हस्तियों का अलग अलग जंतुओं के साथ लगाव और जंतुओं की वफादारी की कहानियां संसार में प्रसिद्ध हैं। जिस तरह बच्चों, आप जानते हो कि कुत्ते को उसकी वफादारी और रक्षा करने जैसे गुणों के कारण बहुत प्यार से पाला जाता है। कुत्ता भेड़ बकरी के झुंड की रक्षा कर सकता है। पेसेंजी नामक शिकारी कुत्ते की नस्ल ऐसी है जो गले की विशेष बनावट के कारण भौंक तो नहीं सकता, परंतु इसकी लंबी तान जैसी आवाज़ निकलती है। सन 1957 में रूसी अंतरिक्ष यान स्पुतनिक से अंतरिक्ष में जाने वाले जीवित प्राणी लाइका नाम की कुतिया ही थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। मनुष्य और जंतुओं का संबंध बहुत ही पुराना है। बहुत से सारे जंतु ऐसे हैं जो मनुष्य द्वारा पाले जाते हैं। ये अलग अलग ढंग से मनुष्यों की सहायता करते हैं। जैसे दूध मांस के लिए मनुष्य ने जिन जानवरों को पालना आरंभ किया है उनमें भेड़ और बकरियां मुख्य तौर पर शामिल है। क्या आप जानते हो कि कौन सी जंतु से हमें ऊन देती है? अंगोरा नाम की नस्ल के खरगोश से हमें ऊन के रेशे मिलते हैं जो बहुत ही कोमल और लंबे होते हैं। मनुष्य ऊंट के मोटे मुलायम बालों से ना केवल ऊन प्राप्त करता है बल्कि और कई कारणों से भी वह उन पर निर्भर करता है। जैसे कि हमें पश्मीना नामक बकरी से भी ऊन मिलती है। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों की शुद्धता के बारे में बताता है। जैसे वूल मार्क का चिन्ह, यह हमें ऊन की शुद्धता को बताता है। एग मार्क, यह मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता को बताता है। बच्चों, हमने जान लिया है कि जंतु सीधे तौर पर मनुष्य की बहुत सी वस्तुओं का उपहार जैसे दूध, अंडे, मीट, चमड़ा और ऊन देते हैं। कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय दूध बेचना है, इसलिए वे दूध देने वाले दुधारू पशुओं की अधिक संख्या पालते हैं। जैसे हम अन्य जीव जंतुओं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे सपेरा सांप का प्रयोग करता है, मदारी बंदर और भालू का प्रयोग करता है अपना रोजगार कमाने के लिए। कानून के हिसाब से तो आजकल जानवरों को पकड़ना अपराध है क्योंकि इससे इन पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए कानून में इन्हें पालना और पकड़ना अपराध माना जाता है। यातायात और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी जानवरों की विशेष भूमिका रही है। जैसे रेगिस्तान में ऊँट का प्रयोग एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है और हाथी और बैल का प्रयोग भी सामान ढोने के लिए किया जाता है। बच्चों, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जानवरों का सहारा तो लेते ही हैं, पर हमें उनके भोजन, पानी और समय समय पर दवाई का भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें समय समय पर पशु चिकित्सालय में चेक कराना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बीमारी से बच सके। बच्चों, आपको यहाँ पे जीव जंतुओं के बारे में कुछ कविताएँ दी गई हैं, आपने इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको इसके प्रश्न उत्तर खालिस्तान दिए गए हैं।
जिन्हें आपको PDF द्वारा भेज दिया जाएगा उन्हें आपने अपनी कॉपी पे अच्छे से करना है, पढ़ना है और याद करना है और उसकी फ़ोटो खींचकर अपनी अध्यापिका को भेज। और अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर जी और नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी और अन्य दानी सज्जनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से नोबल फाउंडेशन आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचा है और आगे भी तरक्की करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।